नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड से ऐसे नमकीन की रेसिपी। आज से पहले ये रेसिपी आप नहीं देखे होंगे, तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा है और गर्मा गर्म स्नैक्स या नमकीन सबको चाय के साथ खाने का मन करता है, तो आज मैं ब्रेड से बनाने वाली हूँ नमकीन की रेसिपी, जो कि आप शाम के समय चाय के साथ बहुत ही अच्छे से एकदम टेस्टी एकदम क्रंची बना के खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। यहाँ मैंने ले लिया है ब्रेड, मैंने सैंडविच वाला ब्रेड लिया है। अब इसे चारों तरफ से इसका भाग हम कट कर देंगे, इस तरह से साइड साइड से कट करके ले लेने का है इस सारा। यहाँ मैंने सारा कट करके ले लिया है, तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ मैंने ब्रेड ले लिया है इसके चारों तरफ, और बीच में थोड़ा पानी हम लगा देंगे ताकि थोड़ा ये गीला हो जाए। अब इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके सारा ले लेने का है। अब थोड़ा हम किनारे पे इसको चिपका देंगे, ना चिपके तो थोड़ा और पानी लगा करके इसको अच्छे से चिपका देना है। पानी ज़्यादा नहीं लगाना है, पानी थोड़ा थोड़ा ही हल्का ही लगाना है, बस दो चार बूंद इसी तरह से, जितना आप पानी लगाए कि ये थोड़ा गीला हो जाए। इसी तरह से सारा करके ले लेने का है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने सारा बना करके ले लिया है, थोड़ा सा दबाते हुए इसको इस तरह से रोल करके ले लेने का है। बड़े वाले सैंडविच वाले ब्रेड से अच्छे से रोल होता है और अच्छा बनता है, छोटा वाला जो ब्रेड होता है उससे अच्छे से रोल नहीं होता है, एकदम सारा कट जाता है जब साइड का, तो एकदम छोटा हो जाता है। तो यहाँ मैंने बड़े साइज़ का ब्रेड लिया है। अभी हम क्या करेंगे, सारा मैंने रोल करके ले लिया, अभी इसको हम पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसको सारा कट करके ले लेने का है। अब यहाँ मैंने सारा कट करके ले लिया है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से सारा कट करके ले लेने का। अब हम चलेंगे गैस की तरफ। आप चाहे तो ढेर सारा बना सकते हैं, अब चाहे तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बना करके जितना आपके घर में फैमिली उस हिसाब से बना सकते हैं। तभी हम गैस पे कढ़ाई रख दिए हैं, उस पर तेल डाल दिए हैं, तेल भी उसको अच्छे से हो गया है। ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको फ्राई करने में, गैस का फ्लेम फास्ट करके तेल को अच्छे से पहले गर्म कर लेने का, फिर गैस का फ्लेम स्लो कर देने का। तो इसको अब हम चलाते हुए गोल्डन फ्राई करके लेंगे, जितना आ सकता है इसमें डाल देने का। ये बस खाली एक से दो मिनट में ये फ्राई हो जाता है, उससे भी कम समय लगता है। तो आपको आपका डार्क कलर पसंद है डार्क थोड़ा कर दीजिए, या तो आप गोल्डन ब्राउन कर दीजिए। इस तरह से थोड़ा ही क्रंची हो जाएगा, बहुत ही क्रंची बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अगर एक बार इसको आप बनाएंगे ना, तो आपको चाय से ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे बार बार, क्योंकि इतना आसानी से बन जाता है। और आपको शाम को कोई स्नैक्स नमकीन वगैरह खाने का रहे, मन करे कुछ चटपटा, तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, इसी तरह से बाकी का बचा भी मैं बना करके ले लूँगी। अभी ये भी हो चुका है, अब सारा मैं बना करके ले ली हूँ। एक बर्तन निकालने के बाद अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें थोड़ा मसाला ऐड करेंगे, तो थोड़ा हम चटपटा बनाएंगे ताकि ये थोड़ा चटपटा लगे। तो यहाँ मैं डाल दी हूँ एक चम्मच चाट मसाला और एक चम्मच इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इसमें एक चम्मच मैं डाल दूँगी लाल मिर्च का कूटा हुआ पाउडर, आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं एकदम। अब इसमें मैं डाल दूँगी आधा चम्मच काला नमक, आप नॉर्मल वाला भी नमक डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही चाट मसाला डाला था तो नमक थोड़ा मैंने कम ही डाला है। अब यहाँ मैं अच्छे से इसको हाथों से मिक्स कर लूँगी इस तरह से, इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे तो एकदम अच्छे से सब जगह सारा सामान पहुँच जाएगा, एकदम चटपटा एकदम क्रंची बना है। इस तरह से हम इसे थोड़ा सा हम हिला लेंगे, सारा अच्छे से मसाला जो हमने डाला है सारा मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ अभी तैयार हो चुका है, अब मैं इसको खाने के लिए सर्व करूँगी। इस तरह से आप बना करके ढेर सारा भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी बन जाता है और ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको बनाने में। अगर आपके घर में मेहमान आए या आपको खुद खाने का मन रहे, बारिश के मौसम में कुछ चटपटा तीखा खाने का मन है, नमकीन खाने का मन है, तो इस तरह से आप फटाफट बना सकते हैं। कम समय में एकदम टेस्टी और एकदम चटपटी रेसिपी आपकी बनके तैयार हो जाएगी चाय के साथ खाने के लिए।
तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, एकदम क्रंची एकदम कुरकुरा बना हुआ है। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरी ये रेसिपी अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना ये एकदम क्रंची बना है, ऊपर से एकदम क्रंची है, अंदर से एकदम स्पंजी एकदम सॉफ्ट बना है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।